आपने पानी डिफरेंट तरीके के तो पिए होंगे, एक स्पार्कलिंग वाटर होता है और एक नॉर्मल वाटर होता है। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है जब आप इसको कंज्यूम करते हैं? एडिशनली स्पार्कलिंग वाटर जो होता है वो हेल्प करता है विद डाइजेशन बाय प्रमोटिंग बर्पिंग, जो कि हेल्प करता है विद ब्लोटिंग एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टर द मील्स। नॉट जस्ट दैट, ड्यू टू बबल्स इन स्पार्कलिंग वाटर इससे आप थोड़ा फुल फील करते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो आपकी दूर रहती है और ये सपोर्ट करता है आपके वेट लॉस गोल्स को। ऑन द अदर हैंड, स्टिल वाटर जो है यानी कि नॉर्मल पानी आई सादा पानी जो है वो एसेंशियल रहता है एज अ चॉइस ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि इसके की एडवांटेजेस होते हैं कि ये फ्री रहता है फ्रॉम कार्बोनेशन, जिसकी वजह से ये जेंटल होता है ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम और सूटेबल होता है उन लोगों के लिए जिनका सेंसिटिव स्टमक है और दोज प्रोन टू ब्लोटिंग। स्टिल वाटर ज़्यादा एक्सेसिबल होता है और वो आता है फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्प्रिंग्स, जो ऑफन कंटेन करते हैं बेनिफिशियल मिनरल्स जो सपोर्ट करते हैं ओवरऑल हेल्थ को। एडिशनली, बिकॉज स्टिल वाटर जो है वो न्यूट्रल रहता है इन टेस्ट एंड टेक्सचर, ये आइडियल होता है फॉर डेली कंजम्पशन, कुकिंग एंड इवन मिक्सिंग विद अदर बेवरेजेस। जब बात आती है स्पार्कलिंग वाटर की, तो कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं अ फ्यू साइड इफेक्ट्स। कुछ लोग पीते हैं स्पार्कलिंग वाटर जिसे कॉज करता है ब्लोटिंग, गैस एंड स्टमक पेन। अब ये हार्मफुल होता है उन लोगों के लिए जिनको जर्ड है, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको IBS भी कहा जाता है। ये कंटेन करते हैं मिनरल्स जो आपके टीथ को डैमेज कर सकते हैं। ऑफन कंटेन करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कॉज करते हैं डायरिया को। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।